हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है लविंग गार्डन पर। ये कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं, गुलाब पर भी। ये देखिए, एक पेड़ है और फूल, ये फूल दो कलर के आए हुए हैं इसके ऊपर। ये देखो, येलो और वाइट एक पेड़ पे ही ना। ये गुलाब का एक ही पेड़ है और ये वाइट और येलो एक ही पेड़ पे आए हुए हैं। और ये मैरून कलर है गुलाब पर ही, और ये वाइट कलर के कितने प्यारे प्यारे, कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। अलमंडा पर भी देखिए, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो जो हमारे दोस्त हैं जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं, जिन्हें पेड़ पौधों से ज़्यादा प्यार है, तो वो तो अपना सर्दियों की तैयारी में लग चुके होंगे मेरी तरह। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं नर्सरी से क्या क्या लेके आई हूँ सर्दियों के फ्लावर। सर्दियों में फ्लावर बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं एक गुड़हल का पेड़ लेके आई हूँ। ये नई वैरायटी आई है, ये इस नई वैरायटी इसलिए है क्योंकि ये गुड़हल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये नीचे नीचे ही ऐसे गोल सा बना लेता है। ये वाइट कलर का गुड़हल है, ये मैं लेके आई हूँ। मुझे इसका फ्लावर्स बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हुए थे इस पर, वहाँ पर जो रखा हुआ था। ये वाइट कलर है, देखिए देखिए एंथोरियम। देखिए, मैं एंथोरियम लेके आई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कितना प्यारा प्लांट है एंथोरियम। इसके प्रोपेगेशन के बारे में और इसकी केयर के बारे में, कैसे इनकी केयर करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर सब कुछ एक में ही होता है तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये देखिए, ये मैं गेंदे के पौधे लेके आई हूँ। गेंदे के कुछ पौधे हैं ये, जो मैंने नर्सरी से परचेस करके लाई हूँ सारा ये सब कुछ। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये येलो कलर की गोदावरी का प्लांट है। ये वाइट है और ये येलो है, ये गोदावरी है। और ये कलांचू है, ये येलो कलर है कलांचू। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं। ये गुंछे वाला कलांचू है, जिसपे गुंछों में फूल आएंगे ऐसे भर के। देखिए कितनी सारी इसकी कलियां निकली हुई हैं। और ये रेड कलर के कलांचू हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। ये भी गुंछे वाला ही कलांचू है। देखिए, इसके भी मैं ये दो प्लांट लेके आई हूँ। ये छोटे छोटे तो फ्लावर हैं, लेकिन प्यारे बहुत लगते हैं ना। छोटे छोटे भी कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, देखिए। और ये दो प्लांट में क्लोडेंडन के लेके आई हूँ, कि कितने सुंदर लग रहे हैं ये भी। इनकी लीव्स जो होती हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होती है इनकी लीव्स, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये इधर से दिखाती हूँ, ये मैं कुछ डेंथस की वैरायटी लेके आई हूँ। डेंथस के देखिए, मैं कितने सारे कलर लेके आई हूँ।
ये देखिए ये वाइट और बीच में से ये पर्पल कलर है और ये पिंक कलर है। डेंथस पिंक डेंथस है ये, और ये भी यही है और ये पर्पल कलर के हैं और ये रेड कलर के हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मर्जेंटा कलर के हैं और ये भी पिंक ही हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं फ्लावर। तो सर्दियों के जो हमारे शॉपिंग है अपना मैंने आपको दिखाई है, और सर्दियों के अभी जो ये पेटोनिया है ये अभी नहीं आए, तब ये लेके आऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो मैं आपको अपनी नर्सरी की भी सैर कराऊँगी किसी दिन, नर्सरी का ओवरव्यू कराएंगे हम आपको किसी दिन अपनी, जहाँ से मैं ये सब परचेज़ करके लेके आती हूँ। और दोस्तों देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फ्लावर सारे। इन सब की केयर के बारे में, इन सब की कैसे आपको रखने चाहिए, कहाँ रखने चाहिए, इन सब की बाद में हम आप बात करेंगे। देखिए एक ये मैं वधुकामिनी लेके आई हूँ, वधुकामिनी ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था प्लांट, कितना प्यारा लग रहा है देखिए, बिल्कुल छोटा सा और सुंदर सा प्लांट। ये ऐसे बोल सा टाइप का बन जाएगा, ये पोट पूरा ऐसे गोल बन जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा ये पोट इससे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं इसकी, बिल्कुल छोटी छोटी सी ना। तो ये सब मेरे शॉपिंग प्लांट हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। इन्हें हम डेकोरेट करेंगे अच्छे से, पोट में लगाएंगे। आप मुझे बताना आपको मेरे प्लांट कैसे लगे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर इसलिए करें ताकि किसी और को भी ये जानकारी अच्छे से मिल जाए, कैसे आपको नर्सरी से प्लांट परचेज़ करने चाहिए और सर्दियों में आप कौन कौन से प्लांट लेके आने चाहिए आपको ये सब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।